इम्पॉर्टेंट श्लोकास टू रिमेम्बर. ईशोपनिषद इन्वोकेशन. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते. द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट एंड बिकॉज ही इज कंप्लीटली परफेक्ट ऑल एमिनेशंस फ्रॉम हिम सच एज दिस फिनोमिनल वर्ल्ड आर परफेक्टली इक्विप्ड एज कंप्लीट होल्स. व्हाट एवर इज प्रोड्यूस ऑफ द कंप्लीट होल इज ऑल्सो कंप्लीट इन इट्सेल्फ बिकॉज ही इज द कंप्लीट होल. इवन दो सो मेनी कंप्लीट यूनिट्स एमिनेट फ्रॉम हिम ही रिमेन्स द कंप्लीट बैलेंस. ईशोपनिषद टेक्स्ट 1. ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद कस्यस्विद धनम. एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट दैट इज विद इन द यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द लॉर्ड. वन शुड देयरफॉर एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ विच आर सेट असाइड एज इज कोटा एंड वन शुड नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग्स नोइंग वेल टू हुम दे बिलोंग. भगवद्गीता 2.2. श्री भगवान उवाच कुतत्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य अजष्टुम अस्वर्ग कीर्तिकरम अर्जुनम. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड माय डियर अर्जुन हाउ हैव दीज इम्प्यूरिटीज कम अपॉन यू. दे आर नॉट एट ऑल बिफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ. दे लीड नॉट टू हायर प्लैनेट्स बट टू इन्फेमी. भगवद्गीता 2.7. कार्पण्य दोषोप अर्थ स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम. नाउ आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरली वीकनेस. इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टन वॉट इज बेस्ट फॉर मी. नाउ आई एम योर डिसाइपल एंड अ सोल सरेंडर्ड अन टू यू. प्लीज इंस्ट्रक्ट मी. भगवद्गीता 2.13. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्यति. एज द एम्बोडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज द सोल सिमिलरली पासेस ऑन टू अनदर बॉडी एट डेट. अ सोबर पर्सन इज नेवर बिल्डर्ड बाय सच अ चेंज. भगवद्गीता 2.44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धिः समाधावन विधीयते. इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच टू सेंस एन्जॉयमेंट एंड मटेरियल ऑप्युलेंस एंड दोज हु आर बिविल्डर्ड बाय सच थिंग्स द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन फॉर डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट टेक प्लेस. भगवद्गीता 3.27. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते. द स्पिरिट सोल बिविल्डर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो थिंक्स हिमसेल्फ द डूअर ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इन एक्चुअली कैरिड आउट बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. भगवद्गीता 4.2. एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगे नष्टः परंतपः. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession and the saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken and therefore the science as it is appears to be lost. Bhagavad-gita 4.8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. भगवद्गीता 4.9. जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः. वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माय इटर्नल अबोड ओ अर्जुन. भगवद्गीता 4.34. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपक्षेक्षन्ति ते ज्ञानम मानिन तत्वदर्शिनः. जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर एनक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अन टू हिम. द सेल्फ रियलाइज सोल्स कैन इम्पार्ट द नॉलेज अन टू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ. भगवद्गीता 5.22. ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः. एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेस ऑफ मिजरी विच आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल सेंसेस. ओ सन ऑफ कुंती सच प्लेजर्स हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड एंड सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम. भगवद्गीता 5.29. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स एंड द बेनिफैक्टर एंड वेलविशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज अटेंस पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज.
भगवद्गीता 6.47। योगिनाम अपि सर्वेषां मद मद्गतेन अनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। एंड ऑफ ऑल द योगीज द वन विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी ही इज द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी इन योगा एंड ही इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल दैट इज माई ओपिनियन। भगवद्गीता 7.5। अपरेयम इति तव अन्या प्रकृतिम विदधि मे पराम जीवभूतान महाभावो य एदम धार्यते जगत। बिसाइड दिस ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना देर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच कंप्राइजेस द लिविंग एंटिटीज एंड हु आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस ऑफ दिस मटेरियल इन्फीरियर नेचर। भगवद्गीता 7.14। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अन टू मी कैन इजिली क्रॉस बियॉन्ड इट। भगवद्गीता 7.19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेहो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. Bhagavad Gita 8.5. Antakale cha mameva smaram uktva kalevaram sa prayati sa madbhavam yati na asti tatra saunshayaham. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt. Bhagavad Gita 8.16. आ ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फ्रॉम द हाइएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी वेर इन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस बट वन हु रिटेन्स टू माई अबोड अ सन ऑफ कुंती नेवर टेक्स बर्थ अगेन। भगवद्गीता 9.2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Bhagavad Gita 9.4. Maya tatam idam sarvam jagat vyakta murtina matasthani sarva bhutani nacha aham teshu avasthitah. By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. भगवद्गीता 9.14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज एंडेवरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन बोइंग डाउन बिफोर मी दिस ग्रेट सोल्स परपिचुअली वर्शिप मी विद डिवोशन। भगवद्गीता 9.25। यान्ति देवव्रता देवान अपि तृण्य अन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनो अपि माम। दोज हु वर्शिप इन द डेमिगॉड्स विल टेक बर्थ अमॉन्ग द डेमिगॉड्स दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स गो टू द एंसेस्टर्स दोज हु वर्शिप घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स विल टेक बर्थ अमॉन्ग सच बीइंग्स एंड दोज हु वर्शिप मी विल लिव विथ मी। भगवद्गीता 9.26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपहृत अश्नामि प्रयातात्मनः। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Bhagavad Gita 9.27. Yat karoshi, yat ashnasi, yat juhoshi, dadasi, yat tapasyasi, kaunteya, tat kurushva madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Bhagavad Gita 9.29. सम्मो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। आई एनवी नो वन नॉर एम आई पार्शियल टू एनी वन आई एम इक्वल टू ऑल बट हुएवर रेंडर्स सर्विस अन टू मी इन डिवोशन इज अ फ्रेंड इज इन मी एंड आई एम ऑल्सो फ्रेंड टू हिम। भगवद्गीता 10.1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो श्रोणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। The Supreme Personality of Godhead said, Listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend for your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. Bhagavad Gita 10.8.
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स। भगवद्गीता 13.22। पुरुष प्रकृति अस्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सद योनिजन्मसु। द लिविंग एंटिटी इन मटेरियल नेचर दस फॉलोज द वेज ऑफ लाइफ एंजॉइंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। दिस इज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद दैट मटेरियल नेचर, दस ही मीट्स विद गुड एंड इविल अमॉन्ग वेरियस स्पीशीज। भगवद्गीता 13.23। उपद्रष्टान अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा एति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। येट इन दिस बॉडी देर इज अनदर अ ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर हु इज द लॉर्ड द सुप्रीम प्रोप्राइटर हु एग्जिस्ट एज द ओवरसियर एंड परमिटर एंड हु इज नोन एज द सुपर सोल। भगवद्गीता 4.26। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति अत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। One who engages in full devotional service, unfalling in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Bhagavad Gita 15.7. Mam evaunsha jiva loke jiva bhutas sanatana manashashtani indriyani prakruti sthani karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya chaham hridi sannivishto matha smrutir jnanam apohanam cha vaidescha sarver aham eva vedyo vedanta krud veda videva cha aham. I am seated in everyone's heart and from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. Bhagavad Gita 18.54. Mam evaunsha jiva loke jiva bhutas sanatana manashashtani indriyani prakruti sthani karshati. This was repeated. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Bhagavad Gita 18.55. Bhaktya mam abhijanati yavan anya chashmi tatvatah tatto mam tatvato jnatva vishte tad anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Bhagavad Gita 18.65. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mam eva ashyasi satyam te pratijane priya asime. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Bhagavad Gita 18.66. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo moksha ishyami ma shuchah. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Nectar of Instruction, Text 1. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपोस्थ वेगम एतान वेगान अन्यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वी स शिष्यात। अ सोबर पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक द माइंड डिमांड द एक्शंस ऑफ एंगर एंड द अर्जेस ऑफ द टंग बेली एंड जेनिटल्स इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर् भक्तिर्विनश्यति। वन्स डिवोशनल सर्विस इज स्पॉइल्ड व्हेन वन बिकम्स टू एंटेंगल इन द फॉलोइंग सिक्स एक्टिविटीज। वन ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। टू ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। थ्री टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। फोर प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली और विम्सिकली। फॉर यू एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सिक्स बींग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स।
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 3, उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागस ततोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति. देर आर सिक्स प्रिंसिपल्स फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस. वन बीइंग एंथुजियास्टिक, टू एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, थ्री बीइंग पेशेंट, फोर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सच एज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग ओनली कृष्णा. फाइव, एबैंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज. एंड सिक्स, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यास. दिस सिक्स प्रिंसिपल्स अनडाउटेडली एश्योर द कंप्लीट सक्सेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 4, ददाति प्रति गृह्णाति गृह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम. ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, रिवीलिंग वन्स माइंड इन कॉन्फिडेंस, एन्क्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद आर द सिक्स सिम्टम्स ऑफ लव शेयर्ड बाय वन डिवोटी एंड अनदर. नेक्टर ऑफ डिवोशन 1.1.11, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्मादय अनावृत्तम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा. द हाइएस्ट भक्ति इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस सर्विस और इमोशंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, हिज एक्सपेंशन फॉर्म्स और अदर्स रिलेटेड टू हिम. विद अ प्लीजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा, इट शुड बी डिवॉइड ऑफ डिजायर्स अदर दैन द डिजायर टू प्लीज द लॉर्ड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय इम्पर्सनल ज्ञान द मटेरियलिस्टिक रिचुअल्स ऑफ कर्म और अदर अनफेवरेबल एक्ट्स. नेक्टर ऑफ डिवोशन 1.1.12, यथा श्री नारद पंचरात्रे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. दस द नारद पंचरात्र सेज भक्ति इज डिफाइंड एज सर्विस टू द लॉर्ड यूजिंग द सेंसेस. इट शुड बी डन विद द इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड फ्री फ्रॉम अदर डिजायर्स एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस. नेक्टर ऑफ डिवोशन 1.2.234, यथा तत्रैव अतः श्रीकृष्ण नामादी न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यादः. कृष्ण एंड हिज होली नेम्स कैनॉट बी ग्रास्प बाय द मटेरियल सेंसेस, बट वेन अ पर्सन डेवलप्स द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लॉर्ड्स होली नेम एंड ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, कृष्ण देन स्पॉन्टेनियसली अपियर्स ऑन द टंग एंड इन द अदर सेंसेस. नेक्टर ऑफ डिवोशन 1.2.255, अनासक्तस्य विषयान यथ अर्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते. द वैराग्य ऑफ दैट पर्सन हु एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट सुटेबल फॉर डिवोशनल डेवलपमेंट वाइल रिमेनिंग डिटैच फ्रॉम देम इज सेड टू बी सुटेबल फॉर भक्ति. द ऑब्जेक्ट शुड बी परसिस्टेंटली रिलेटेड टू कृष्णा. हरे कृष्णा विल कंटिन्यू फर्दर इन फ्यूचर.